जज्बा कहाँ है? काफी देर से गई हुई है। जन्नत आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। मिसबा कहीं ढालान की तरफ तो नहीं गई? शायद तू गए काफी देर हो गई है, मैं एक बार जाके देखती हूँ। ठीक है बेटा। या अल्लाह, शायद कहीं किसी मुसीबत में ना हो। नहीं, ये शशि कपूर क्या करने की फिराक में है। मैं तो उसे बचाने भी नहीं जा सकती। अगर गई तो मेरी बच्ची मिसबा को पता नहीं ये क्या कर देगी।
ये शाद भी कहाँ चले गए? शाद, मिसबा, अरे जन्नत, आपने शाद को देखा क्या? शाद आप ही को ढूंढने के लिए गए थे। बहुत तड़प रही हो ना अपने शौहर की याद में। चलो, जहाँ उसे पहुँचाया है वहाँ तुम्हें भी पहुँचा देती हूँ। शाद, हाँ याद आया, वो तो दिखाने की तरफ गए हैं। तहखाने की तरफ? हाँ, वो जिन्नात वाला तहखाना। हाँ, वो क्या है ना, शाद को ये बचपन से दिलेरी की बहुत आदत है, तो आई एम श्योर उनका दिल कर रहा होगा दिलेरी दिखाने का, वही गए होंगे इसीलिए। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है मिसबा? अरे ये तो उस गाइड ने मना किया था ना कि उस तरफ किसी को जाना अलाउड नहीं है। लेकिन क्या शाद, तुमने उन्हें जाते हुए देखा और रोका भी नहीं? शाद, हादसे के बारे में सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। रात रात भर बैठकर मैंने आपके लिए दुआ मांगी, मैं तो एकदम आप ठीक है? I'm fine. ठसका कैसे लग गया? ये लीजिए पानी, पानी। अच्छा, आराम से, आप ठीक है? yeah. I'm sorry. आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? हर उस चीज के लिए जैसे तुम्हारा दिल दुखा है। बेवकूफ था मैं रियली, जो तुम्हें समझ नहीं पाया, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। I mean, how could I even think? मैं एक हीरे को पत्थर समझ बैठा, बल्कि तुम तो एक बेशकीमती हीरा हो, मेरी कोहिनूर हो, मेरी सनम। आज के बाद मैं अपनी मोहब्बत को कभी मेरी आंखों से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जी, आज आपने मेरे दिल के अरमान पूरे कर दिए। बस एक अरमान और है, मैं आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहती हूं। क्या आप करेंगे? इतनी सी बात, एक कैंडल लाइट डिनर तो क्या, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिताऊंगा। मैं तैयारियां करके आती हूं।
घर से बोल के लाए थे साथ में बैठेंगे, सब गायब। उम्र ही ऐसी है, एक जगह पैर टिकते ही नहीं। मामू जान, बहुत देर हो गई ना, बहुत इंतजार करवाया, सॉरी। अब तुम आ गई हो तो ये दोनों कहाँ रह गए? कौन? जन्नत और शाद? हाँ। वो तो मुझे मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उफ़ मामू जान, समझने की कोशिश कीजिए, अभी अभी तो निकाह हुआ है, थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए। अरे अकेले ही वक्त बिताना था तो अकेले आना चाहिए था ना। उफ़ मामू जान, आप एक ही बात पे अटक जाते, बार बार वही बोले जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कैसे बहाना करके गए हैं? क्यों अम्मी जान? आफ्ताब, उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला, उन्हें अकेला छोड़ देते, हम लोग चलते हैं। चले। शाद, खुदा हाफिज। जन्नत, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो तुम्हारी मोहब्बत की दवा ने कुछ और काम किया कि नहीं? काम नहीं, जादू चला। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ओहो, उन्होंने? क्या बात है, इतना प्यार कि प्यार इसे पेट भर जाए। अरे ये बात मैं खाला को जाके बताता हूँ। मैंने सही कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया, नहीं सनम, मेरी सनम से दूर किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण औरत नहीं हो, यू नॉट नॉर्मल, पर ये काम बहुत मुश्किल होगा। But you know what? आहिल रजा इब्राहिम अकेले पैदा नहीं हुआ था, उसकी जिद के साथ पैदा हुआ था। और खुदा की कसम, ये मेरी जिद है कि मैं सनम को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगेगी। कहते किसी जमीन पर हमें जन्नत और जानो हासिल होती है, तुम्हें मैं जन्नो के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। किसी भी भरे हुए ग्लास को और भरने से पहले उसे खाली करना पड़ता है। ये आहिल जी पर तभी काम करेगा जब आहिल जी सनम के बारे में ना सोच रहे हो। ये मैं उन्हें तभी पिलाऊंगी जब वो बेहोश हो। कल मैं सबको घर से बाहर भेज दूंगी और फिर कल तक स्विमिंग पूल साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो तुम दोनों को पता चल जाएगा। कहते हैं दीवारों के भी कान आते हैं और इस हवेली की दीवारें तो खामोशी की भी आवाज सुन लेती हैं। तुम्हारे साजिश की औकात ही क्या नहीं सनम, मुझे पता लग गया था
कि तुम्हारी इस मोहब्बत की दवा तभी काम करेगी जब मैं अपनी मोहब्बत के बारे में सोचू ही ना। पर यू फॉरगेट वन थिंग, सनम की यादों को मेरे दिल से मौत भी अलग नहीं कर सकती। वो मेरे दिल में, मेरे जहन में हमेशा रहती है, और उस वक्त भी थी। मैं सिर्फ सनम का, सिर्फ मेरी सनम का। ये रिश्ता कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ हम दोनों के ऊपर है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? पता नहीं क्यों जन्नत, मुझे तुम्हारी आवाज मेरी सनम जैसी क्यों लग रही है। हाँ पता नहीं, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आपकी आवाज बहुत पहचानी सी है। इस लड़की से मैंने पाकिस्तान में बात की थी, उसकी आवाज तो कुल मेरी सनम जैसी थी, और वो मिस्ड कॉल भी वहीं से आया था। हो ना हो, ना वो वही मेरी सनम। मुझे उसे फोन करना होगा, मेरा फोन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर, हमने पता नहीं मेरा फोन कहाँ रखा होगा। इसका मतलब मुझे वो नंबर कभी नहीं मिल सकता जिससे शायद सरम का फोन आया होगा। या अल्लाह, मैं अभी सरम तक कैसे पहुंच पाऊंगा? कैसे होगी मेरी सरम, किस हाल में होगी? जरूरत थी शाद को यहां आने की? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या दीवारें, क्या दरवाजा। मोहतरमा, उस ढलान की तरफ मत जाइएगा, उसके पीछे तहखानों की बुलबुलैया है। सुना है आज भी वहां जिन्नात रहते हैं, जो एक बार खो गया समझो खोता ही चला गया।